जी बच्चों, प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे वाले भाग को देखें। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञान कीजिए। तो देखें, बहुत आसान है बेटा। आप जानते हो भिन्न में दो चीज़ होती है, अंश और हर। तो हम मान रहे हैं, माना भिन्न का अंश, बराबर x, अंश क्या मान लिया x, और हर मान लिया, हर क्या मान लिया बेटा y। भिन्न का अंश x माने और हर क्या मान लिया y, इसलिए भिन्न क्या हो गई, भिन्न हमारी हो गई बोलो x/y। भिन्न तो हो गई x/y, ठीक। अब कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो प्रथम शर्त कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार अंश से 1 घटाओ बेटा। अंश से क्या करें, 1 घटाएं, अंश से 1 घटाएं तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/3। अंश x है, उसमें से 1 घटा दो तो x माइनस 1, हर तो वही रहेगा। देखो कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब अंश से 1 घटाया जाता है। अंश में से 1 घटा दिए तो x माइनस 1 अंश हो गया, हर y, तो इस भिन्न का मान हो गया आपका 1/3। ठीक, अब तिरेक उड़ा कर दें तो 3x-3 = y। चलिए y को बाएं साइड भेज रहा हूँ, तो 3x-y = इस 3 को हम दाहिने तरफ भेज दिए, 3, यह समीकरण 1 हो गया। ठीक, फिर द्वितीय शर्त कह रहा है कि 1/4 हो जाती है, और भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें। तो द्वितीय शर्तानुसार कह रहा हर में 8 जोड़ दें, हर में क्या करें 8 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/4। हर में 8 जोड़ दें, अंश की बात नहीं कर रहा, हर में, तो अंश तो वही रहेगा x/, हर में 8 जोड़े तो y+8, तो भिन्न हो गई हमारी कितनी 1/4। फिर तिरिय गुणा कर दें, 4 का गुणा x में 4x = y+8। ठीक बेटा, y को उधर बाएं तरफ भेज दें, 4x-y = 8, यह समीकरण 2 हो गया, समय में आ गया होगा। अब इन दोनों समीकरण को बेटा हल कर दे किसी भी विधि से। चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, पहला समीकरण 3x-y = 3 है, यह समीकरण 1 बना है। दूसरा बना है 4x-y = 8। हम चाहे समीकरण 1 को ऊपर लिखें और चाहे समीकरण 2 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, y के गुणांक यहाँ बराबर हैं, -y गुणांक यहाँ 1, यहाँ भी 1y, तो कैसे कटेंगे यहाँ चिन्ह, देखो माइनस है या माइनस है, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह चिन्ह y का माइनस है, यहाँ भी। ठीक, तो कटेंगे कब, जब विपरीत चिन्ह होगा, विपरीत चिन्ह मतलब घटाने का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बेटा घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये माइनस वाई प्लस वाई क्या हुआ, मर गया, कट गया। 3x-4x तो माइनस ज़्यादा है, माइनस 4x में से 3x निकल गया x = 3x-8, माइनस ज़्यादा है, माइनस 8 में से 3 गया 5, माइनस माइनस काट दिया, x = 5, x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान समीकरण चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, 1 में रख दें, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रख दें, तो
पहले एक लिख रहा हूँ, 3x ऋण y बराबर 3। अब हमें x की जगह क्या लिखना है बेटा, 5। तो 3 × 5 ऋण y बराबर 3, 3×5 = 15 माइनस y बराबर 3, 15 को दाहिने साइड भेज दीजिए, माइनस y बराबर 3 माइनस 15, माइनस y बराबर 3 में से 15 घटाएगा, ये माइनस से आ रहा है, माइनस 15 में से 3 गया बाहर, माइनस माइनस काट दें, y बराबर 12, ठीक बेटा। तो x और y का मान हमने निकाल लिया, इसलिए जो भिन्न हो गई, भिन्न हमारे क्या माना है, x बटे y बराबर x का मान 5/12, ये बेटा आंसर, ठीक बेटा, धन्यवाद।